मैं यहाँ सोपोर में अपना जो पुलिस के यूनिट और आर्मी के यूनिट और सीआरपी के यूनिट जो ऑपरेशनल और लैंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको मिलने के लिए आया हूँ और साथ ही आज यहाँ पर एक अच्छा ऑपरेशन हमारे फोर्सेज ने जॉइंटली मिलकर के किया है। सबसे पहले तो इस एरिया में सोपोर जो अपने नाम से बड़ा बदनाम रहता था कि जहाँ लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब रहती है और जहाँ टेररिज्म का मिलिटेंसी का बड़ा बोलबाला है, इसके चलते ये जो बदनामी है बहुत हद तक मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक देता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी हद तक क्लीन अप हो चुका है और थोड़े से कुछ लोग हैं जो आज भी टेररिज्म को जहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की और लोगों को अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको चलाने में दखल दे रहे हैं। यहाँ दुकानें बंद रखने के लिए, फरूट का कारोबार रोकने के लिए, बाकी चीज़ों पर लोगों को ना निकलने के लिए ना करने के लिए काफ़ी दबाव एक टेररिस्ट आउटफिट जो है लश्कर तौबा का वो करता रहा। पुलिस और आर्मी बाकी जो हमारी फोर्सेज हैं सब सतर्क हैं, अलर्ट हैं और उन्होंने इस एरिया को पूरा कॉम किया, सर्च करी, डोमिनेट किया और उसके चलते जहाँ पर हालात पहले से बहुत अच्छे हैं आज मैंने देखा दुकानें भी काफ़ी हद तक खुल रही हैं और कारोबार का सिलसिला फिर से शुरू होने लगा है। आज अच्छा एक ऑपरेशन भी हमारी जो फोर्सेस ने मिलकर किया है, एक पुराना जो मिलिटेंट जहाँ पर लोगों को मोटिवेट करके साथ में चला रहा है सजाद हायदा, उसके चलते जो जहाँ पर मिलिटेंसी अभी भी कुछ एरिया में सोपोर के इर्द गिर्द जिंदा है उसने कुछ नए लड़कों को भी ज्वाइन करवाया है और उसमें एक लड़का जो ज्वाइन किया था उसका नाम दानिश चन्ना है जो बारामूला का रहने वाला है। दानिश चन्ना जो है वो आज सुबह स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर पकड़ा गया है, उसकी पूछताछ अभी फोर्सेज जो है वो कर रही हैं और उसकी बाकी जो जानकारी मिलेगी उसके मुताबिक फर्दर फॉलोअप एक्शन लिया जाएगा। जहाँ पर बाकी जो लोगों को तामन है, जो लोग मिलकर के जहाँ पर फोर्सेज के साथ यहाँ पर अमन बहाल करने में अभी तक कामयाब रहे हैं, मैं लोगों को भी मुबारक देना चाहता हूँ, लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और अच्छे ऑपरेशन भी होंगे, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल भी और बेहतर होगी और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी मामूल पर जल्दी आ जाएगी।